नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 6 सितंबर 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में, सूर्य और शुक्र सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, वक्री शनि मकर राशि में, वक्री गुरु मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। ग्रहों के आधार पे राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। मेष राशि, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, यात्रा में लाभ होगा, धार्मिक बने रहेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम अभी भी चल रहा है, प्रेम और संतान के भरपूर सहयोग मिल रहा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से आप दिनानुदिन तरक्की करते जा रहे हैं। एक शुभ समय कहा जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, परिस्थितियां अभी भी प्रतिकूल बनी हुई है, थोड़ा बच के पार करें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, वाहन तेज ना चलाएं, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा, व्यापार भी आपका सही चल रहा है, पीली वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, अविवाहितों का शादी ब्याह हो सकता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, प्रेम संतान बहुत अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नए आयाम की स्थिति बन रही है, कुछ नई स्थिति जो बहुत पॉजिटिव होगी ऐसा बन रहा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें, शुभ हो। कर्क राशि, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, प्रेम बहुत कंधा से कंधा मिला के चलेगा, संतान भरपूर सहयोग करेगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ संकेत दिख रहा है। बजरंग बली को प्रणाम करते रहें। सिंह राशि, भावनात्मक संबंधों में तू-तू-मैं-मैं हो सकता है, भावनाओं में बह के कोई निर्णय लेना भी नहीं चाहिए आपको। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय, प्रेम और संतान मध्यम है, व्यापार आपका सही चल रहा है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि लेकिन गृह कलह का संकेत है, घर का तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा, तू-तू-मैं-मैं बढ़ेगा, ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान अभी भी मध्यम चल रहा है, व्यापार आपका सही चलता रहेगा, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, व्यापारिक सफलता मिलेगी, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, अपनों का साथ होगा, हर दृष्टिकोण से एक सही समय उत्तम समय दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, रुपए पैसे का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, जुबान के कारण आपस में तू-तू-मैं-मैं हो सकता है, निवेश करने से बचे, स्वास्थ्य आपका ठीक चल रहा है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार आपका सही चल रहा है, लाल वस्तु पास रखें। धनुराशि, मन निरंतर परेशानी में रहेगा, खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगा, एक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा, थोड़ा अप एंड डाउन आप में रहेगा। चंद्रमा आपके कुंडली का मार्केश है, वो लग्न में आएगा, जब लग्न में चंद्रमा आता है तो बहुत तरह के सकारात्मक परिणाम देता है, लेकिन चूंकि अष्टमेश है इस वजह से थोड़ा मन परेशान भी रहेगा, खर्च मानसिक दबाव ये बनाए रखेगा, प्रेम संतान व्यापार आपका सही चलता रहेगा, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, जलाभिषेक करें, शुभ होगा। मकर राशि, नेत्र पीड़ा, सर दर्द, अनायास भय और काल्पनिक भय परेशान करेगा, खर्चीला समय साबित होगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य भी मध्यम है, फिर भी व्यापार प्रेम और संतान बहुत अच्छा चलता रहेगा, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी होगी, नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे आय के और पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम व्यापार भी मध्यम है, प्रेम और संतान भी मध्यम, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा चलता रहेगा, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, व्यापारिक सफलता मिलेगा, पिता का साथ होगा और एक सुखद समय, फिर भी स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम संतान व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, पीली वस्तु पास रखें। नमस्कार।